नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का धर्म कर्म के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के धार्मिक वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेघनाथ की। आप जानते हैं उनसे जुड़ा एक पौराणिक कथा। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मेघनाथ का सर जब कटा तो वो जोर जोर से हंसने लगे। चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, रामायण में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और वीर हनुमान के अलावा कई बहुत सारे चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण और उसके पुत्र मेघनाथ भी थे। मेघनाथ का एक नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसको पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के सत्यत्व परीक्षा के समय मेघनाथ का कटा हुआ सिर भी जोर जोर से हंसने लगा था, जिसकी कथा क्या है चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सुलोचना, जी हाँ, पौराणिक कथा के अनुसार युद्ध में लक्ष्मण ने अपनी घातक बाण से मेघनाथ का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया था और उस सिर को श्री राम के चरणों में रख दिया। श्री राम को मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को संदेश देना था कि उसका पति युद्ध में मारा जा चुका है। इसके लिए जब श्री राम ने मेघनाथ की एक भुजा काटकर सुलोचना को भेजी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये उसके पति मेघनाथ की भुजा है। तब सुलोचना के कहने पर मेघनाथ की कटी हुई भुजा ने लिखकर उसे यकीन दिलाया था। यह जानकर सुलोचना रोने लगी और कहा कि वह अब सती होना चाहती है। सुलोचना मंदोदरी के पास पहुंची। मंदोदरी ने कहा कि तुम श्री राम के पास जाओ। इसके बाद सुलोचना श्री राम के पास पहुंची। सुलोचना ने श्री राम से कहा, हे राम, आप मुझे मेरे पति का सिर लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की दशा देखकर श्री राम बहुत दुखी हुए और कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ, लेकिन सुलोचना ने मना कर दिया। जोर जोर से हंसने लगा सिर। इसी बीच सुग्रीव को आशंका हुई कि मेघनाथ ने अपनी कटी हुई भुजा से लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। उन्होंने इसके बारे में सुलोचना से पूछा और कहा कि यह बात तब मानेंगे जब ये नरमुंड हंसेगा। इसके बाद सुलोचना ने कटे हुए सिर से कहा कि हे स्वामी, हंस दीजिए। इतना कहते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर भी जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद सुलोचना सती हो गई। दोस्तों, ये है मेघनाथ के कटे सिर के जोर जोर से हंसने के पीछे की पौराणिक कथा। यदि आपको पसंद आई हो तो अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।